भागलपुर जनपद के सनहौला प्रखंड में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 12। कोरोना पॉजिटिव मरीज की ग्राम पंचायत महेशपुर घनश्याम को प्रशासन द्वारा पूरी तरह किया गया सील। यह कोरोना संक्रमित व्यक्ति गांव में ही बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 11 और लोगों के साथ रह रहा था। युवक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया व जदयू नेता ने पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में असुविधाओं का अंबार लगा होने का आरोप भी लगाया है। तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव 24 इंडिया न्यूज। भागलपुर बिहार में भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड महेशपुर घनश्यामा चक पंचायत में मैं खड़ा हूं, बजरंगबली के पास में, जो पूर्व जिला परिषद और वर्तमान जिला परिषद के आवास के ठीक सामने, जो मेडिकल टीम जो कि यहां पे एक पॉजिटिव पेशेंट पाया गया था इसी टोला में, तो उनके लिए यहां पे काफी मशक्कत कर रहे हैं, किस तरह से मेडिकल टीम तैनात है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनंत कुमार है। तो सर एक पॉजिटिव पेशेंट मिला है सर, और आप लोगों ने किस तरह से पहल कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम लोगों ने टीम लगाई हुई है मेडिकल का, और उसमें से जितने भी हमारे उससे संबंधित हैं जो कि जिनसे वो आदमी मिले हैं पॉजिटिव केस वाले, उनको हम लोग डिटेक्ट करके क्या करते हैं कलेक्ट करके हम लोग सबको सैंपलिंग के लिए भेज रहे हैं। और लोगों का शिकायत जो कि भुड़िया में जो राजकीय आदर्श विद्यालय है वहाँ दो ही टाइम, जबकि सरकार द्वारा नाश्ता में पूरी सब्जी देना है, रात में रोटी, ये सब और चाय की व्यवस्था, लेकिन कुछ नहीं है, इसके बारे में क्या करना है? मैंने सरकार को सूचना दे दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जदयू सरकार जो है यह सचमुच सारा व्यवस्था किया है, सारा पैसा व्यवस्था किया है, सारा सुविधा, लेकिन कुछ पदाधिकारी लोग बदनाम करने के ख्याल से इस तरह से जो साजिश करते हैं। सरकार के तरफ से कहीं कोई सिफा शिकायत नहीं, सरकार को सारा व्यवस्था किए हुआ है। सरकार मजदूर के आने के पहले ही सरकार बोल रही है कि आप लोग क्वारंटाइन सेंटर को व्यवस्थित करके रखें, जहाँ बिजली नहीं हो वहाँ कनेक्शन करवा। आपके पंचायत में कई जगह क्वारंटाइन सेंटर बना? दो जगह बना है। तो दो जगह कितना लगेगा? वहाँ मजदूर करीब हम 1.5 महीने से लोगों को रख रहे हैं अभी, और ऐसा हो रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के दबाव में जबरदस्ती टाइम भी नहीं पुरता है, उसको भगा दिया जाता है कि ताकि उसको कोई शिकायत नहीं मिले। इन लोगों को खाना पीना तो कुछ नहीं दे रहा है, जरूरत पड़ने पर हम इसका रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, हम जरूरत पड़ने पर वो अभी। तो काफी मशक्कत, और जबकि इस कोरोना जैसा वायरस बीमारी जो कि काफी लोग, एक तो कोरोना सता रहा है, दूसरा लॉकडाउन सता रहा है, उसके बाद जो मजदूर परवेसी दिल्ली से आते हैं उनके लिए क्या मुसीबत खड़ा है देख लीजिए। और इसी स्कूल में रखा गया था, और एक पॉजिटिव जिसका उम्र 18 वर्ष है। आप देख रहे हैं लाइव 24 इंडिया न्यूज भागलपुर बिहार।